हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि सोल्यूशन के जो हमारे पार्ट है वो तीन है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। आप सोच रहे होंगे ये तो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में भी बना लेते थे, इस चैप्टर में नया क्या है। इस चैप्टर में ये नया है कि हमको बहुत सारे डेटा नहीं दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सब में आपको कैपिटल नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिसकी मदद से हमको क्या मिल जाता है, कैपिटल। ठीक है, सब में क्रेडिट सेल्स नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एंड इसकी मदद से हमको क्या मिल जाता है, क्रेडिट सेल्स। बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स का अकाउंट हम लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमको क्या मिल सके, क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं ताकि हम लोग को कोई डेटा जो चाहिए वो मिल जाए। बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पार्ट में हमको देते हैं ओपनिंग क्लोजिंग का डेटा, जिसमें एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है। देन जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें समरी देते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस का, एंड देन लास्ट में हमको देते हैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के ये तीन पार्ट होते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं। एग्जाम्पल में आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि करना क्या है। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में बोला है मिस्टर गुप्ता मेंटेन्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री। इससे पता चलता है कि सिंगल एंट्री का सम है। जैसे ही पता चला सिंगल एंट्री का सम है तो आपको फॉर्मेट बना देना है। आगे बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर, देखो हम लोग कितने अच्छे लोग मेंशन भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो हमको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन तीन पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है, तो इस समय देखो क्वेश्चन में हमको सबसे पहले दिया है समरी दिया। किसका समरी दिया, कैशबैक का। कभी भी हमको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। फिर ओपनिंग क्लोजिंग का डेटा दिया, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, यहीं से हमको सम स्टार्ट करना है। ये तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है हमारा एडजस्टमेंट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट। डेटास क्या है, एसेट। बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट। क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, लाइबिलिटी। स्टॉक एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। लोन फ्रॉम परदेसी लाइबिलिटी है। ठीक है, अब दो डेटा दिया, ओपनिंग का ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग का क्लोजिंग में जाएगा। ये जो डेटा दिया ना सब, ये हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर लिखने वाले। ठीक है, एंड ये जो डेटा है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जाने वाला है, जो हमारे मेन सोल्यूशन का पार्ट होता है। और ये जो नीचे जितने भी एडजस्टमेंट दिए ना, ये सारे के सारे हम लोग हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट के ऊपर ही लगाते, ओपनिंग में नहीं। ठीक है, ओके। उसके बाद ये दिया समरी इन कैश बैलेंस का, ये सबसे पहले एंट्री दी है इन लोगों ने यहाँ पर, टू बैलेंस बीडी। जो टू बैलेंस बीडी दिया ना, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, ये भी तो एसेट है। एक्चुअली कायदे से उसको यहाँ देना चाहिए था, यहाँ पर उसका ना ओपनिंग क्लोजिंग दे देना चाहिए, कैश का नहीं दिया जानबूझ के, तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे। यहीं पर देखो, यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी भी दिया, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस तो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो ये भी ओपनिंग क्लोजिंग ही है, जो सब में देना चाहिए था यहाँ पर, बट नहीं दिया है, ऊपर दिया, तो हम लोग वहां से ले लेंगे। ओके, फिर देखते हैं दिया है यहाँ पर टू डेटर्स। अच्छा, डेटर्स को मैं सर्कल करके रखता हूँ, डेटर्स का क्या करना है हम लोग जब समय आएगा तब बता दूंगा। टू बिल्स रिसीवेबल भी दिया है, क्या है ना, इसकी एंट्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के अंदर जाने वाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ना, जो पैसा हमको डेटर्स के पास से आया है ये उसकी एंट्री है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स के पास से पैसा मिलता है ना, तो जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो ये जो एंट्री है ना, ये डेटर्स की एंट्री, ये हमको बताती है कि हमको इतना पैसा डेटर्स के पास से मिला है। सिमिलरली वैसे बिल्स रिसीवेबल भी है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री भी मैं उसके इस रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर करूंगा। फिर सेल्स दिया है, कौन सा सेल्स, ये है कैश सेल्स। कैश सेल्स की एंट्री हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। रेंट दिया है, रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सवाल उठता है कौन से साइड पे, देखो ये जो पर्टिकुलर ना, ये रिसीव्ड है, रिसीव मतलब यहाँ पर पैसा मिलता है। टू में जितनी भी एंट्रीज है ना, ये सारी एंट्रीज का मतलब होता है इतना पैसा हमारे पास आया है। ठीक है, तो रेंट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, तो ये सब इनकम है। पीसी, पीसी सेल्स भी, टीसी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अच्छा, अब जाते हैं जरा पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे सबसे पहले दिया बाय क्रेडिटर्स, ये है वो पैसा जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया। ठीक है, सो इसकी भी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर करने वाले हैं। बाय बिल्स पेबल दिया, बिल्स पेबल का अकाउंट है, इसकी भी एंट्री हम लोग कहाँ कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट के अंदर। बात करते हैं वेजेस की, तो वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सैलरीज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड।
ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को हम लोग कैपिटल में से माइनस करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो आएगा उससे। जर्नल एक्सपेंस जाएगा पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे। ओके, तो इतनी सारी एंट्रीज तो हम लोग ने कर दी है, साथ साथ में नीचे एडजस्टमेंट भी दिया, तो जरा एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, सो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट क्या वो बाद में देखेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस का आ गया भाई ये रहा वेजेस, स्टार मार्क कर देते, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। वेजेस के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको भी स्टार मार्क कर देता हूँ, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। देन है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम को भी स्टार मार्क कर देते, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड, तो इंश्योरेंस को भी स्टार मार्क करना पड़ेगा, ये रहा इंश्योरेंस, स्टार मार्क कर दिया, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। उसका डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर्स, तो प्लांट एंड मशीनरी को भी स्टार मार्क कर देता हूँ, और डेटर्स, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ही रहा, ठीक है, यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया। ओके, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब हमको एंट्रीज करना शुरू करना है। तो मैं आपको बताऊँ, एंट्रीज करने से पहले ना आपको क्या कर लेना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पहले ही कुछ एंट्रीज है जो स्टैंडर्ड होती है, जो आपको पहले से ही लिख देनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख देना चाहिए हम लोग को, टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या लिख देना चाहिए, टू परचेजेस। इसके अंदर आता है अपना कैश, इसके अंदर आएगा आपका क्रेडिट, और इसी में से माइनस करना है परचेज रिटर्न, अगर समय दिया है तो, नहीं दिया तो रिटर्न माइनस करने की जरूरत नहीं है। बाय सेल्स, सेल्स के अंदर अगेन कैश, क्रेडिट, और इसमें से माइनस करना है सेल्स रिटर्न, ठीक है। समय सेल्स रिटर्न होगा तो माइनस कर देंगे, बट अगर नहीं रहा तो डैश कर देंगे। ओके, इतनी एंट्रीज आपको पहले से लिख देनी है, और एक एंट्री लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये एंट्रीज हमको पहले से ही कर देनी है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी एंट्री पहले से करने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कोई भी एंट्री पहले से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है कि हमको सम स्टार्ट कैसे करना है। सम स्टार्ट करेंगे हम लोग डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस शीट से। सबसे पहला काम हमेशा याद रखना, सिंगल एंट्री का समय करना, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, कैपिटल पहले ही ढूंढ लो, ठीक है, उसके बाद फिर ज्यादा टेंशन नहीं होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट पहले ही बना लेते हैं। हुई रहा हमारा सम, ये जितना भी डेटा दिया ना सब ओपनिंग का, ये कहाँ चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो एक काम करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में इसकी एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले आएगा इन्वेस्टमेंट 20,000, सो मैं करता हूँ, लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट 20,000। उसके बाद आती है बारी डेटर्स, डेटर्स दिया 50,000, तो मैं लिख देता हूँ डेटर्स 50,000। डेटर्स के बाद हम लोग को दिया है बिल्स रिसीवेबल 20,000, बिल्स रिसीवेबल एसेट है तो बिल्स रिसीवेबल को लिख देते हैं 20,000। बिल्स रिसीवेबल के बाद है क्रेडिटर्स 39,400, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो क्रेडिटर्स को हम लोग लाइबिलिटी में लिख देते हैं, क्रेडिटर्स है 39,400। क्रेडिटर्स के बाद बारी आती है बिल्स पेबल 8,200, लाइबिलिटी है तो बिल्स पेबल को भी हम लोग लिख देते हैं बिल्स पेबल कितना था भाई 8,200, तो मैं लिख देता हूँ 8,200। उसके बाद बिल्स पेबल के बाद बारी आ रही है स्टॉक की, तो स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है बताए, ये ओपनिंग स्टॉक है अपना। कैसे पता चला, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमेशा ओपनिंग स्टॉक आता है, ठीक है। ओके, सो कितना है ओपनिंग स्टॉक 28,200, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 28,200। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 60,000, तो मैं लिख देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी 60,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद बारी आती है लोन फ्रॉम परदेसी, लाइबिलिटी है लोन फ्रॉम परदेसी, सो लोन फ्रॉम परदेशी है 30,000, सो मैं डाल देता हूँ 30,000। ओके, अब एक जो एंट्री है ना टोटल करने से पहले आपको हमेशा याद रखनी है, वो है कैश का। ये कैश कहाँ से मिलेगा, कैश बैलेंस हम लोग को मिलता है कैश एंड बैंक बुक से, ठीक है। ये रहा कितना दिया हुआ है 6,600, इसको लिखे बिना अगर आपने टैली करने की कोशिश की ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कैश का बैलेंस हमेशा याद रखना, कैश का बैलेंस हमेशा ऐड होगा। अब क्या करना है, टोटल करना है, तो देखते हैं टोटल करके कितना आता है। अगर हम लोग टोटल करें तो पहले दिया है 20, फिर 50, फिर से 20, फिर 28,200, फिर 60,000, फिर 6,600, तो आ रहा है 1,84,800। तो मैं लिख देता हूँ 1,84,800, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1,84,800। अब इसमें से ना माइनस करना है, तीन चीजें माइनस करनी है, -30,000, -8,200, -39,400, सो आ रहा है 1,07,000, 1,07,200। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई भी करता हूँ,
200 हो सकता है टोटल में, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो 1,84,800 माइनस 39,400 माइनस 8,200 माइनस 30,000, सारा 1,07,200, ये बन जाएगा अपना कैपिटल, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो कैपिटल मिल गया अपना, बहुत बड़ा काम हो गया। ये कैपिटल की एंट्री कहाँ करनी बताया, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, पहले जाके कर देता हूँ 1,07,400। अब जो भी ड्राइंग्स आएगा या कैपिटल में प्रॉफिट लॉस आएगा वो सब इसके अंदर एंट्री होने वाली है, ठीक है। ओके, सो कैपिटल बन गया। कैपिटल बनने के बाद अभी हम लोग को समझ में क्या करना है, वो सर ओपनिंग की तो एंट्री हो गई, अब हम लोग को किसकी एंट्रीज करनी है, क्लोजिंग की एंट्रीज करनी है, ठीक है। क्लोजिंग की एंट्री कहाँ होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर देते हैं, सेम चीजें आने वाली है लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपना कितना है, इन्वेस्टमेंट है अपना 20,000, सो मैं लिख देता हूँ 20,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। इन्वेस्टमेंट के बाद बारी आने वाली है डेटर्स की, डेटर्स का है 58, सो डेटर्स में लिख देते हैं 58, 58 अंदर वाले कॉलम है क्योंकि एडजस्टमेंट था, देखो ये रहा, हमने स्टार मार्क करके रखा है डेटर्स को। डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल है 18,000, बिल्स रिसीवेबल 18,000 लिख देते हैं, बिल्स रिसीवेबल पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो 18,000 डायरेक्टली बाहर। उसके बाद बारी आती है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स 35,800, 35,800 यहाँ डाल देंगे, क्रेडिटर्स लिख देंगे 35,800। उसके बाद बारी आती है बिल्स पेबल 2,800, तो लिख देते हैं बिल्स पेबल 2,800। ओके, बिल्स पेबल भी हो गया। बिल्स पेबल के बाद बारी आ रही है स्टॉक की, ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया समय, क्लोजिंग स्टॉक समय दिया है 22,800, तो मैं लिख देता हूँ 22,800 बाहर, 22,800। अब ये हो गया। इसके बाद बारी आने वाली है प्लांट एंड मशीनरी 60,000, सो प्लांट एंड मशीनरी 60,000 एडजस्टमेंट अंदर लिखना पड़ेगा और एक लाइन छोड़ देंगे। प्लांट एंड मशीनरी के बाद, प्लांट एंड मशीनरी के बाद बारी आती है लोन फ्रॉम परदेसी 30,000 ही है और लेकिन एडजस्टमेंट है तो हम लोग अंदर लिखेंगे लोन फ्रॉम परदेसी 30,000, अंदर वाले कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देंगे, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट की एंट्री हम लोग एक साथ बाद में करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया अभी, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया कि जो भी ओपनिंग की एंट्रीज थी उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिया, जो क्लोजिंग की एंट्रीज थी उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट था उसको अंदर लिख दिया, जिस पर एडजस्टमेंट नहीं था उसको डायरेक्ट डायरेक्ट बाहर लिख दिया, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्रीज खत्म नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। कुछ स्पेशल चीजें जैसे डेटर्स, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और स्टॉक, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आइटम्स है ना, इनका फिर से एंट्री होने वाला है। लेकिन आप तो बोलोगे सर हमने ओपनिंग क्लोजिंग में तो कर दिया एंट्री, हाँ लेकिन उसके अलावा हमारे पास डेटर्स का अकाउंट है, डेटर्स के अकाउंट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री करनी पड़ेगी, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल का भी अकाउंट है उसके अंदर भी ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री करनी पड़ेगी, हमारे पास क्रेडिटर्स का भी अकाउंट है उसके अंदर भी ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री करनी पड़ेगी, हमारे पास बिल्स पेबल का भी अकाउंट है उसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग करना पड़ेगा। और रहा स्टॉक, देखो स्टॉक कहा जाता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्टॉक देखो ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए ना, तो ओपनिंग स्टॉक कितना आने वाला है 28,200, अब भी लिख देते हैं 28,200 और क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है 22,800, एक बार चेक कर लेता हूँ, 22,800 सही है, ठीक है। तो अपना ओपनिंग स्टॉक की भी एंट्री हो गई, क्लोजिंग स्टॉक की भी सेकंड सेकंड एंट्री कर दी गई। अब बचता है जो हमको मेन चीज बनाना है, हमारा बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट, उसके बाद बिल्स पेबल का अकाउंट और क्रेडिटर्स का अकाउंट। हमेशा याद रखना सीक्वेंस ऐसे ही रखना ताकि सम सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट में, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट में, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट में, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट में, क्रेडिटर्स का भी सेम, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट में, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट में। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर आएगा ओपनिंग, यहाँ पर क्या आएगा, क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पर फिर से क्या आएगा,
ओपनिंग बराबर, यहाँ पर क्या आएगा क्लोजिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग की एंट्री हमको यहाँ पर करनी है, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें ओपनिंग इधर आ जाता है एंड क्लोजिंग ये साइड पे आ जाता है, ठीक है। इसमें भी सेम, जो भी लाइबिलिटी है उसमें हमेशा क्रेडिट में पहले बैलेंस आएगा, तो ओपनिंग इधर पे आ जाएगा एंड क्लोजिंग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इसके अंदर एंट्रीज करनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग बिल्स रिसीवेबल और ये जो डेटर्स हैं इनके अंदर एंट्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लीन कर लेते हैं पहले। ओके, सो डेटर्स का ओपनिंग है 50 और ये है 58। तो एक काम करते हैं, डेटर्स में लिख देते हैं 50 ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना आएगा 58, ठीक है। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल के अंदर आएगा 20 और 18, ओपनिंग है 20 और ये कितना है 18, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करना है, क्रेडिटर्स का 39 और 39 400 और 35 800। तो क्रेडिटर्स में लिख देते हैं 39 800 एंड 39 400 और 35 800, यहाँ पर आ गया। बिल्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ से मिल जाएगा, देखो ये रहा बिल्स पेबल का, दिया 8 200 और 2 800। तो मैं लिख देता हूँ 8 200 और 2 800। सिर्फ इतना याद रखना है कि बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स की जब एंट्री करूंगा ना, तो ओपनिंग क्रेडिट में लिखना और जो क्लोजिंग है वो डेबिट में लिखना है, ठीक है। सो अभी ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्रीज हो गई है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ अभी हम लोग को इसको देखने की जरूरत नहीं है, हमने पूरा ओपनिंग क्लोजिंग की सारी एंट्रीज कर दी है, ठीक है। अब हम लोग को कहाँ जाना है पता है, समरी ऑफ कैश बुक और बैंक बैलेंस के अंदर, इधर से हम लोग को एंट्री करनी है। अच्छा देखो, ये जो था ना अपना टू बैलेंस बीडी, इसकी एंट्री है ना मैंने पहले ही कर दी है, ठीक है, इसकी एंट्री अपन ने पहले ही कर दी है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप लोग के लिए ताकि आपको याद हो जाए, ये जो टू बैलेंस बीडी है 6600, इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, कहाँ हो चुकी है ये देखो, ये रहा यहाँ पर हमने की थी, ठीक है, यहाँ पर पहले से कर दिया है। क्लोजिंग की नहीं की, क्लोजिंग की करना बाकी है, वो कर लेंगे जब आएगा तभी, लेकिन ओपनिंग की कर दी हम लोगों ने, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जरा दूसरी एंट्री जो है मेन, वो अभी हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उसको करते वक्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। अब जितनी भी एंट्रीज मैं यहाँ कैश बुक से लूंगा ना, वो सब ब्लैक में आने वाली है, ठीक है। जैसे टू डेटर्स दिया, टू डेटर्स, तो मेरे पास डेटर्स का अकाउंट है ना, डेटर्स के हम लोग कहाँ लिखेंगे पता है, बाय में लिख देंगे। बाय में क्या लिखेंगे, बाय कैश बैंक अकाउंट। ये जो टू डेटर्स ने क्या रिप्रेजेंट करता है, जो पैसे डेटर्स ने हमको दिए, ये रिसीव साइड, रिसीव साइड मतलब हमारे पास पैसा आया, तो यहाँ टू में दिया, तो हम लोग हमेशा बाय में एंट्री करेंगे। जैसे टू बिल्स रिसीवेबल है, क्या मेरे पास बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट है, हाँ, तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, बाय में। बाय में क्या लिख दूंगा, बाय कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। सो कितना अमाउंट था, एक का है 21,700, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 21,700 एंड दूसरे का है 12,000, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 12,000, ठीक है। ओके, उसके बाद दिया है सेल्स, ये कौन सा सेल्स है पता है, ये कैश सेल्स है, कैश अकाउंट के अंदर है ना, तो ये कौन सा सेल्स माना जाएगा, कैश सेल्स, कैश सेल्स है 14,500। सो इसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट, ये कैश सेल्स अमाउंट है 14,500, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 14,500, ठीक है। जो भी एंट्री ब्लैक में आपको नजर आ रही है, सब मैं कैश बुक से ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, ताकि आप बायफर्केट कर सके कौन सी एंट्री कहाँ से। रेंट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाय रेंट। टू में दिया तो बाय में लिखना पड़ेगा 1,700, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,700। उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी क्रेडिट साइड पे आएगा, टू में दिया है, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना है इंटरेस्ट 900, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 900, ठीक है। ओके, सो ये भी हो गया। उसके बाद अभी बाय साइड पे जाना है, तो बाय साइड पे जाएंगे तो सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्रेडिटर्स, बाय में दिया, तो क्रेडिटर्स में कहाँ लिखेंगे पता है, हम लोग टू में लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स के कहाँ लिखेंगे हम लोग, टू में, टू कैश बैंक अकाउंट कितना है, ये रहा 21,700, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 21,700। उसी के नीचे बिल्स पेबल भी है, बिल्स पेबल बाय में दिया अगेन, तो हम लोग टू में लिखेंगे 13,300, यहाँ पर आ जाएगा टू
कैश बैंक अकाउंट 13,300, ठीक है। बिल्स पेबल की एंट्री खत्म। अब दिया वेजेस, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टू वेजेस। वेजेस पे एडजस्टमेंट भी है, तो 6,500 मुझे अंदर लिखना पड़ेगा, 6,500 अंदर लिख देता हूँ। वेजेस के बाद क्या है, वेजेस के बाद है सैलरी और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। यहाँ पर आएगा टू सैलरीज, यहाँ पर आएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बट मुझे लगता है सैलरी पे एडजस्टमेंट है, नहीं सैलरी पर नहीं है, 5,400 डायरेक्टली बाहर लिख देता हूँ। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग को समय दिया है कैरेज इनवर्ड। अच्छा कैरेज इनवर्ड रहेगा, सॉरी, तो जरा मैं कैरेज इनवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। कैरेज इनवर्ड है 100 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए बाहर लिख देता हूँ। देन सैलरी तो पहले लिख दिया है, सैलरी हो गया, देखो वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड सैलरी, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है 500, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा 500, एडजस्टमेंट हमें इसलिए अंदर लिख दिया। ओके उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एडजस्टमेंट है 500 है ये भी, तो पोस्टेज लिख देता हूँ टू पोस्टेज और 500 रुपये। एंड एक लाइन इसके लिए भी छोड़ देते हैं, एक लाइन इसके लिए ऑलरेडी छोड़ा हुआ है। पोस्टेज के बाद कौन है, पोस्टेज के बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 1,500, इस पर भी एडजस्टमेंट है, तो मैं लिख देता हूँ टू इंश्योरेंस 1,500, इंश्योरेंस भी हो गया। इंश्योरेंस के बाद बारी आ रही ड्रॉइंग्स की, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है, देखो ये रहा कैपिटल, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं हम लोग। ड्रॉइंग्स कितना है, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स है अपना 4,200, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 4,200, माइनस करना है नहीं अभी फिलहाल, इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी वो भी आने वाला है ना, तो वो करने के बाद फिर टोटल करके बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके तो ये भी हो गया है अभी हम लोग की एंट्रीज, तो और चेक करें और क्या दिया है। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 900 प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं टू जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस कितना है, जर्नल एक्सपेंस है 900, तो मैं बाहर लिख देता हूँ डायरेक्टली 900। उसके बाद बारी आ रही है बाय बैलेंस सीडी, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो कहाँ जाना चाहिए, कैश का क्लोजिंग बैलेंस जाएगा हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पर लिखेंगे कैश या बैंक, ठीक है। उन्होंने मेंशन नहीं किया तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 2,800, तो मैं भी लिख देता हूँ 2,800। इसका मतलब अब क्या हुआ, अब हमारा ये वाला पार्ट भी पूरा का पूरा खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, अब सिर्फ एडजस्टमेंट बचे, एडजस्टमेंट कर लो अपना काम हो जाएगा। याद है ना सारे एडजस्टमेंट की कितनी एंट्रीज करनी पड़ेंगी, दो। देखो ये याद रखना है आप लोगों की, सम स्टार्ट कैसे किया मैंने, मैंने सम स्टार्ट किया था ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री से, ओपनिंग क्लोजिंग खत्म करो उसके बाद समरी ऑफ कैश बुक की एंट्रीज करो उसके बाद एडजस्टमेंट करो, ठीक है। सो हम लोग को अभी डायरेक्टली क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज आउटस्टैंडिंग, तो जाते इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो यहाँ पर जगह छोड़ा हुआ है एडजस्टमेंट के लिए, मैं फिर यहाँ पर ये चेंज कर देता हूँ, एडजस्टमेंट हम लोग करते लाल से। आउटस्टैंडिंग दिया था अमाउंट 10%, तो अगर 3,000 का 10% निकाले तो 3,000 आएगा, तो आउटर कॉलम में टोटल होएगा 33, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ 33। अब ये सेकेंड एंट्री कहाँ पर आएगी, सेकेंड एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, ठीक है। एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, दो एंट्री खत्म। उसके बाद बारी आएगी हमारे दूसरे एडजस्टमेंट की, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस 280 आउटस्टैंडिंग है, तो और प्रिंटिंग बिल 420, तो 4,280 और 420, तो वेजेस में पहले प्लस कर देते, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है अमाउंट था आउटस्टैंडिंग में 280, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 280, फिर इसका टोटल करके हम लोग को बाहर भी लिखना पड़ेगा, 6,000 प्लस 280 हो जाएगा 6,780, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6,780। उसके बाद बारी है कि प्रिंटिंग बिल, प्रिंटिंग बिल में कितना जोड़ना है, 420, मैं जोड़ देता हूँ 420, आउटस्टैंडिंग 420, टोटल करके बाहर लिखेंगे तो आएगा 920। एक बार मैं अमाउंट चेक कर लेता हूँ, 420 था ना, हाँ ये देखो ये रहा 420। उसके बाद पोस्टेज इन हैंड, इन हैंड का मतलब होता है प्रीपेड, ठीक है। एडवांस को लिखने का ये अलग तरीका, लोग बोल रहे हैं पोस्टल स्टैम्प हमारे पास बच गए, मतलब प्रीपेड है, एडवांस है, माइनस होएगा पोस्टेज में से, तो
तो 60 हम लोग माइनस कर देते जरा, माइनस प्रीपेड 60, तो बाहर आएगा 440। ठीक है, ओके। अच्छा एक काम तो किया ही नहीं मैंने, सेकेंड एंट्री तो की नहीं उन लोगों की। सेकेंड एंट्री नहीं करेंगे तो नहीं आएगा टैली, इसलिए आउटस्टैंडिंग पहले तो आएगा वेजेस, उसके बाद आएगा आउटस्टैंडिंग हमारा प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का था 420, इसका था 280। प्रीपेड की भी एंट्री कर देते लगे हाथ, प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट, सॉरी प्रीपेड पोस्टेज था, पोस्टेज है 60, यहाँ पर डाल देते हैं 60। अब जाके हमारी सारी सेकेंड एंट्री खत्म हुए, तो अभी कौन से एडजस्टमेंट हो गए टिक कर देते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग, आप देख रहे हो मुझसे भी कभी कभी मिस हो सकती है एंट्रीज, ये भी अभी इंश्योरेंस की एंट्री करनी है। इंश्योरेंस है प्रीपेड, 240 प्रीपेड है तो माइनस होएगा, तो माइनस कर देते हैं माइनस 240, और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रीपेड, प्रीपेड माइनस होता है, और एडवांस एसेट है तो एसेट में चला जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट है 240, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 240, और यहाँ पर माइनस करके हम लोग देखते हैं बाहर कितना आ रहा है। 1500 में से 240 जाएगा तो आएगा 1500, 1500 माइनस 240 तो आएगा 1260, तो मैं डाल देता हूँ 1260, यहाँ पर आ जाएगा 1260। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन 5%, तो ज़रा डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, 5% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 5% प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करते हैं, आएगा 3000। इसकी सेकेंड एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर टू डेप्रिसिएशन ऑन पीएम प्लांट एंड मशीनरी, कितना आ रहा है 3000। ठीक है, तो 3000 हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, तो बाहर आउटर कॉलम में कितना आएगा 57000, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 57000। अच्छा उसी सम के एडजस्टमेंट में और आरडीडी पे रिजर्व मेंटेन करने बोला है 5%, तो पता है आरडीडी हम लोग क्या करते हैं, अगेन डेटर्स में से क्या होने वाला है माइनस, तो माइनस कर देते हैं, ये रहा माइनस आरडीडी, न्यू आरडीडी भी बोल सकते हो आप लोग इसको, न्यू आरडीडी का परसेंटेज था 5%, तो मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ 5%। 58000 का 5% कितना आएगा, 58000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो अरे 2900, तो यहाँ पर आ जाएगा 2900, एंड ये 2900 की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, न्यू आरडीडी 2900, और इसको माइनस कर दे, तो माइनस करके कितना आंसर आएगा जरा वो भी चेक कर लेते हैं, 58000 माइनस 2900 तो आ रहा है 55100, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 55100, 55100। ये जो भी मैंने लाल से लिखा है सब एडजस्टमेंट से मिला है, जो भी हमने ब्लैक से लिखा है वो समरी है कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर से, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कौन सा अमाउंट कहाँ से है, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है एक साथ समझना कि कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, ठीक है, ओके। तो अब सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, टोटल करना है। अब टोटल करना भी कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला टोटल आपको किसका करना है, सबसे पहला टोटल आपको करना था ओपनिंग बैलेंस शीट का, जो हमने कर दिया कैपिटल फाइंड कर लिया। एक बार फिर से मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, इसमें अमाउंट हमेशा गड़बड़ हो जाते हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ, 20 प्लस 50000 प्लस 20000 प्लस 28200 प्लस 60000 प्लस 6600, ठीक है, तो आ रहा है 1,84,800, माइनस करेंगे इसमें से 39,400, माइनस करेंगे 8,200 और माइनस करेंगे 30,000, तो आ रहा है 1,07,200 राइट अमाउंट, ओके। अब जरा जाते हैं एंड बिल्स रिसीवेबल का टोटल करना है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल का टोटल, टोटल मैं कर देता हूँ ब्लैक से ही कर लेता हूँ, ठीक है चलो, ठीक है, टोटल करेंगे तो कैसे करेंगे टोटल, देखो ये साइड का टोटल कितना है 20, एंड ये साइड का टोटल कितना है 30, तो कौन सा बड़ा है, 30 बड़ा है, मैं काम करता हूँ टोटल के लिए लाल ही यूज करता हूँ, सो मैं क्या करूंगा 30000 यहाँ भी लिख दूंगा, 30000 यहाँ भी लिख दूंगा, 30 में से 20 माइनस किया तो कितना बचेगा 10, ये कहाँ जाएगा पता है, बिल्स रिसीवेबल के अंदर जो बैलेंस आएगा वो जाता है डेटर्स के अंदर, ठीक है, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पर 2 में आ रहा है, तो डेटर्स के बाय में, बाय में क्या लिखेंगे, बाय बिल्स रिसीवेबल कितना 10000। अगेन फिर अभी डेटर्स का टोटल करना है, डेटर्स का ये साइड का टोटल कितना है 50000,
एंड अगर दूसरे साइड का टोटल हम लोग करें तो आ रहा है 21,700 प्लस 10,000 प्लस 58,000, तो आ रहा है 89,700। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 89,700, अगेन 89,700 बढ़ा है, तो 89,700 यहाँ भी, 89,700 यहाँ भी, एंड इसमें से अगर हम लोग 50,000 माइनस कर दे तो 89,700 माइनस 50,000 तो आ रहा है 39,700। अब ये जो 39,700 आ रहे हैं ना, पता है ये क्या है हमारा, ये है हमारा मेन जिसके लिए हम लोगों ने ये सब कुछ किया तामझाम, ये है हमारा क्रेडिट सेल्स, कितना है 39,700। अब इसको मैं यहाँ पर जाके लिख सकता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, कितना आ रहा था 39,700, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू एन, डब्ल्यू एन का मतलब क्या होता है वर्किंग नोट। ये क्रेडिट सेल्स 39,700 मुझे कहाँ से मिला, डेटर्स के अकाउंट के अंदर से, ठीक है। अब क्योंकि सेल्स मिल गया तो मैं टोटल सेल्स बाहर लिख सकता हूँ, लेकिन चेक करना पड़ेगा समय का, सेल्स रिटर्न तो नहीं है, पूरा सम रीड कर लिया कहीं पे भी सेल्स रिटर्न नहीं था। तो मेरा जो सेल्स है ना वो है 14,500 प्लस 39,700, तो आ रहा है 54,200। अब लोग समझ रहे ना वो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट क्यों बनाया, अगर वो नहीं बनाओ तो मुझे क्रेडिट सेल्स ही नहीं मिलेगा 54,200। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 54,200, सेल्स का पार्ट खत्म। अब दो डब्बे लास्ट बचे हैं, वो है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का टोटल करे तो ये साइड का टोटल आ रहा है 13,000 13,300 प्लस 2,800, तो आ रहा है 16,100। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16,100, ये साइड का टोटल है 8,200। क्या करेंगे, ये साइड का टोटल बढ़ा है तो यहाँ पर लिख देंगे 16,100, यहाँ पर भी लिख देंगे 16,100, 16,100 में से 8,200 माइनस कर देंगे, माइनस 8,200, तो आ रहा है 7,900। अब ये जो बिल्स पेबल के अंदर बैलेंस आ रहा है ना, ये कहाँ जाता है पता है, ये जाता है क्रेडिटर्स में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस करके मिला, पहले से नहीं था, यहाँ पर बाय में, तो यहाँ पर टू में, टू में क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल, कितना आएगा 7,900। फिर इसका भी टोटल करना है, ठीक है। ये साइड का टोटल तो कितना आ रहा है 39,400। अब ये साइड का टोटल करें 21,700 प्लस 7,900 प्लस 35,800, तो आ रहा है 65,400। अब ये साइड का टोटल है 65,400, कौन सा बढ़ा है, 65 बढ़ा है या 39,65, तो 65,400 यहाँ भी, एक बार मैं ज़रा चेक कर लूँ, क्रॉस वेरीफाई कर लूँ, 65,400 सही है, 65,400 यहाँ पर भी, यहाँ पर एक जीरो ज़्यादा हो गया, हटा देता हूँ, ओके 65,400 में से अब हम लोग को माइनस करना पड़ेगा 39,400, तो आ रहा है 26,000। अब ये जो 26,000 आ रहा है ये है हमारा परचेज, कौन सा परचेज, क्रेडिट परचेज, ठीक है, क्रेडिट परचेज। अगेन ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, सब में ये नहीं दिया होता है, क्रेडिट सेल्स भी ढूंढना पड़ता है, ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सो ये 26,000 अभी हम लोग परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में लिख सकते हैं 26,000। अच्छा पूरा सम रीड कर देता, कैश परचेज था ही नहीं तो डायरेक्टली इसको ही बाहर लिख देते हैं, ओके। अब देखो हमारा ओपनिंग तो हो गया टोटल, इसको सबसे पहले करना था कर दिया, इसके बाद फिर करना था बिल्स पे रिसीवेबल, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। अब हम लोग बंद करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके चेक करेंगे इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, तो जरा देखते हैं, चेक करते हैं, टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल करें तो आ रहा है 54,200 प्लस 22,800, टोटल आ रहा है 77। तो अगेन नीचे नहीं लिखने का, पहले कभी भी टोटल ऊपर 77। डेबिट साइड पे देखें तो आ रहा है 28,200 प्लस 26,000 प्लस 6,780 प्लस 100। अगर मैंने कोई एंट्री छोड़ दी होगी ना, वो अपने आप मुझे पता चल जाएगा, वो मैं लास्ट में चेक कर लूंगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर हमने सारी एंट्रीज कर दी है, अगर किसी का भी कोई एंट्री रह गया होगा तो वो हमको पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 77,000 में से माइनस करेंगे 6,1080, सारा 15,920, 15,920 ये क्या है हमारा, ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कैरी डाउन, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बाय, यहाँ पर मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा था ताकि मैं सबसे पहले ये लिख सकूँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 15,920 आई गेस, 15,920 सही है। अब जरा इसका भी टोटल करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा साइड बढ़ा है एंड इसमें नेट प्रॉफिट आएगा। सो 15,920 प्लस 1,700 प्लस 900, सो आ रहा है 18,520, यहाँ मैं लिख देता हूँ 18,520। एंड अगर इसका टोटल करें सो इसका टोटल आ रहा है 5,400 प्लस
प्लस 920 प्लस 440 प्लस 1260, वापस से करना पड़ेगा, 5400 प्लस 920 प्लस 440 प्लस 1260 प्लस 900 प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस 2900, सारे 17 17,820, 17,820। देन माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, माइनस 18,520, 700 का डिफरेंस है, 700 हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। 18,520 यहाँ भी, 18,520 यहाँ भी, नीचे वाले को ऊपर से माइनस करेंगे तो 700 रुपया बच रहा है। ये 700 रुपया क्या है हमारा, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में प्लस हो जाता है। तो 700 रुपये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एंड फिर टोटल करके चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। अगर तो मैंने कोई गलती की है ना, मुझे अपने आप ही पता चल जाएगा, कोई भी एंट्री अगर मैंने गलत बैठ कर दिया, लास्ट में टैली नहीं होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 1,07,400 माइनस 4,200 प्लस 700, सो इसका टोटल आ रहा है 1,03,900। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, 1,09,000, सॉरी 1,03,900, तो यहाँ पर डाल देता हूँ 1,03,900 एंड दोनों साइड चेक कर देता हूँ, अगर कोई भी चीज़ मिस्टेक हुई देगी तो पता चल जाएगा, अपने आप ही आइडिया आ जाएगा। ठीक है, प्लस 35,800 प्लस 2,800 प्लस 33,000 प्लस 280 प्लस 420, तो आ रहा है 176,200, 176,200। अब ये सही है गलत है मुझे पता नहीं, क्रेडिट साइड पे चेक कर ले, डेबिट साइड पे भी चेक कर लेता हूँ, एसेट साइड। तो एसेट साइड का चेक करते हैं, एसेट साइड का कितना आ रहा है, 20,000 प्लस 55,100, 100 प्लस 18,000 प्लस 22,800 प्लस 57,000 प्लस 2,800 प्लस 60 प्लस 240, तो आ रहा है 1,76,000। मेरा 200 ज़्यादा आ रहा है, मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ की है। देखो आप लोग के साथ भी एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई एंट्री मैंने ये कर दी होगी। एक काम करता हूँ, कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ, कैपिटल कितना था मेरा, ओके देखो यहीं पे मैंने गड़बड़ कर दिया था, 1,07,200 आ रहा था, मैंने गलती से यहाँ पर 1,07,400 लिख दिया, तो मिल गया मुझे मेरा 200 रुपये का गलती। तो ये हो जाएगा 7 एंड यहाँ से मैं 200 रुपये हटा देता हूँ, ये हो जाएगा 1,76,000, टैली हो गया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।